साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम प्रमुख खबरों की, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर, जिसे बीती रात 12 बजे के बाद में उसे गिरफ्तार किया गया है जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा विदेश से, और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही SIT ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी भी अपने संवाददाता से लेंगे, लेकिन साथ ही बात होगी दिल्ली की भी, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों जहां गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं पानी के लिए इस वक्त हाहाकार मची हुई है। बूंद बूंद के लिए दिल्लीवासी इस वक्त तरस रहे हैं, तो इस पर जमीनी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों का भी हम जिक्र करेंगे अगले एक घंटे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 10 बजे की सुर्खियों के साथ। आखिरकार SIT के शिकंजे में आया यौन शोषण और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी, अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में होगी पेशी। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, न्याय की हिरासत बढ़ेगी या नहीं, 30,000 कोर्ट में होगा अहम फैसला। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया, आज दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी BJP। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी से हाहाकार, बिहार और राजस्थान समेत कुछ जगहों पर लू के थपेड़ों ने ली कई लोगों की जान। तो वहीं केरल में मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सभी 14 जिले अलर्ट पर, मणिपुर में भी बाढ़ का कहर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, हर्षमनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और खेल की खबरों में सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी पर टिकी सभी की नजरें, अंतिम मैच में भारत जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। तो ये थी 10 बजे की प्रमुख खबरें, और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्थित मंडपम में ध्यान साधना में बैठे हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने ध्यान पर बैठने से पहले यहां पर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सफेद धोती और सफेद शॉल ओढ़े प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की, और इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी नाव के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद है, जहां से कुछ खास तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। और इसी के साथ अब न्यूज एट 10 में आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को अब आखिरकार बेंगलुरु में देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में उसी दौरान ले लिया और अब आज उसे अब से कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले एसआईटी के अधिकारी आज सुबह ही सीआईडी दफ्तर भी पहुंच चुके हैं, जहां कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित है। आपको बता दें कि एक अश्लील वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास में राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था तो दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ खूब प्रदर्शन भी होते रहे। इसी बीच रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें 31 मई को भारत वापसी की घोषणा की गई, जिसके बाद से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई। आरोप है कि प्रज्वल ने 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए और 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो भी उन्हें अयोग्यता का सामना भी करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला सामने आया और मामला सामने आने के बाद में प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद में अब 35 दिनों के बाद वो भारत वापस लौटे हैं। और भारत वापस लौटने पर जैसे ही एयरपोर्ट पर वो पहुंचे तो एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद में अब से कुछ ही देर में कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। लगभग 12:50 पर एसआईटी ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया था और प्रज्वल को टीम जो है सीआईडी ऑफिस भी लेकर गई, जहां उन्हें रात भर रखा गया। अब एसआईटी प्रज्वल को मेडिकल के लिए भी लेके गई और अब से कुछ ही देर में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद से लगातार उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच वो राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए विदेश चले गए और वहां से 27 मई को एक वीडियो संदेश जारी किया जाता है प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा, मैं भारत आऊंगा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में आयशा खाना में इस वक्त जुड़ रही है। आयशा, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? अब से कुछ ही देर में प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट में पेश किया जाएगा एसआईटी के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी अभी कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर परमेश्वर ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि प्रज्वल की गिरफ्तारी हो गई है और अब प्रज्वल को जल्दी ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके मेडिकल के लिए उन्हें बोरिंग अस्पताल ले जाया जा रहा है और यहाँ पर उनकी मेडिकल जांच होगी। तो जाहिर सी बात है प्रज्वल के सामने अब एसआईटी सवाल की झड़ी लगा देगी, लेकिन उससे पहले एसआईटी को पूरी तरह से प्रज्वल की कस्टडी लेना है और एसआईटी पूरी कोशिश करेगी कि कम 14 दिन की कस्टडी प्रज्वल की मिले ताकि वो पूरी तरह से पूछताछ करे। और अहम बात ये भी है कि आज प्रज्वल की रेगुलर बेल को लेकर भी सुनवाई है कोर्ट में और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सुनवाई में आज क्या फैसला आता है, क्योंकि बेल में प्रज्वल की माँ भवानी रेवन्ना भी उन्होंने अर्जी दर्ज की है कि उन्हें भी एंटीसिपेट बेल दी जाए। जी, इतना दिलचस्प होगा कि आज कोर्ट में क्या फैसला आता है और मां बेटे को क्या कोर्ट बेल देती है। लेकिन ये साफ है क्योंकि कल ही कोर्ट ने इस बुधवार के दिन ही कोर्ट ने इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कोर्ट को इस बात का शक था कि प्रज्वल एक सांसद है और सांसद होने के नाते वो अपना रसूख का इस्तेमाल करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में प्रज्वल को बेल मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम 14 दिन की हिरासत उन्हें मिले ताकि प्रज्वल से पूछताछ की जाए। सबसे पहले एसआईटी ने प्रज्वल से पूछताछ की है,
उनके मोबाइल फोन के बारे में और पूछा है कि क्या वो मोबाइल फोन उनके पास है जिसके जरिए उन्होंने ये तमाम रिकॉर्डिंग करीब 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो महिलाओं के साथ बनाए थे। तो ये फोन के बारे में जानकारी एसआईटी ने एयरपोर्ट से एसआईटी दफ्तर तक पहुंचते हुए की है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रज्वल ने कहा है जी एसआईटी को एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ये अहम सबूत अहम एविडेंस हो सकता था एसआईटी के सामने, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो पेन ड्राइव में शामिल हैं, जो पेन ड्राइव अभी तक कलेक्ट हुए हैं, ये एसआईटी के सामने एक सबूत के तौर पर होगा और इसके आधार पर जांच होगी। जी आयशा, जो वीडियो सामने आए हैं उन वीडियो के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें ये भी अब जानकारी इस वक्त मिल रही है कि कुछ लड़कियां जो है वो 18 से कम उम्र की भी हैं, यानी कि नाबालिग हैं। तो ऐसे में पोक्सो एक्ट लगने के भी चांसेस कहीं ना कहीं नजर आते हैं। दर्ज होती है जो माइनर लड़कियों के साथ इस तरह से बलात्कार हुआ या फिर उनके साथ स्टॉकिंग और उनके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं, तो एसआईटी पॉक्सो केस रजिस्टर करने में कोई झिझक नहीं करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी सारी बातें हो रही है लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है शिकायत दर्ज करने के जी लिए। बिल्कुल, हालांकि 2000 से ज्यादा वीडियोज है लेकिन अभी तक सिर्फ 3 केसेस प्रज्वल पर दर्ज है और ये तीनों केसेस भी काफी संगीन और काफी संगीन आरोप है इन केसेस पर। स्टॉकिंग का केस है और बलात्कार का मामला है, तो ये तमाम चीजें जो है तमाम आरोप जो है काफी संगीन है और सेक्शन आईपीसी के तहत इन सेक्शंस में इन सेक्शंस के तहत अगर प्रज्वल दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है और आने वाले दिनों में अगर वो हासिल जी उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द हो सकती है। जी आयशा, अगर देखा जाए तो जो वीडियो इस वक्त सामने आया जब प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी के द्वारा अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उस दौरान का एक वीडियो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में जो चाल चलन है, जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है किसी भी अपराधी की, लेकिन वो बिल्कुल अलग ही नजर आ रही है। जेब में हाथ डाले और उस एटीट्यूड में वो चल रहे हैं जिससे कि मतलब उनका ये कहा जा सकता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर कितने संगीन मामले हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही ऑब्जर्वेशन रहा आपका। प्रज्वल की जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी इससे साफ जाहिर होता है कि वो पूरी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि उसने जो जिस वीडियो जारी करके जो वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो भारत लौट रहे हैं तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि ये एक राजनीतिक साजिश है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तो किसी भी तरह का कोई अफसोस या फिर कोई रिग्रेट उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है और बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद प्रज्वल इतना अकड़ के चल रहे थे एयरपोर्ट पर और बड़ी अकड़ के साथ उन्होंने एसआईटी की गाड़ी में बैठ गए, मानो कि वो कोई हीरो है और फिल्म स्टार नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब एसआईटी के सामने जब प्रज्वल बैठेंगे और जो आरोप जो केसेस सामने हैं उनके जब सवाल उनके सामने रखे जाएंगे तब उनकी अकड़ कितने हद तक जवाब देती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट को भी इस बात का डर है कि अगर प्रज्वल को जमानत मिल जाती है तो वो एविडेंस को नष्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनकी अंतरिम जमानत भी नहीं हुई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि आज दोपहर तक एक और जमानत पर बहस हो रही है और फैसला क्या है देखना दिलचस्प होगा। और इस फैसले में प्रज्वल की माँ भवानी रेवन्ना जी दोषी है तो उन्हें भी बेल मिलेगी या फिर वो भी प्रज्वल अपने बेटे के साथ जेल जाएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आयशा तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा और पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो इस खबर पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. विभव कुमार की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है. कोर्ट ने 24 मई को विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद में अब आज उन्हें पेश कोर्ट में किया जाएगा. और न्यूज 10 में अब अगली मुख्य खबर है दरअसल राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है तो वहीं पानी का संकट भी गहरा गया है. भीषण गर्मी के बीच में बूंद बूंद के लिए दिल्लीवासी तरस रहे हैं. बीजेपी ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेवार ठहराया है. केजरीवाल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है. अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे ITO स्थित शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के विरुद्ध मार्च भी निकाला जाएगा. तो शहीदी पार्क से ये मार्च की शुरुआत होगी दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से. तो दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी का सितम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्लीवासी जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं. देखिए 2024 ये चल रहा है और 2024 में स्थिति देश की राजधानी की ये है कि जहां गर्मी का सितम तो वहीं पानी की किल्लत भी नजर आ रही है. और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में पानी को लेकर जमीनी हकीकत पूरी स्थिति कैसी है. दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है, जहां पानी के टैंकरों पर बिछते हुए पाइप के जाल और लोगों की लंबी लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दिल्लीवासी किस तरह बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं. ये देखिए, जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोग उस पर पानी के टैंकर पर चढ़ जाते हैं ताकि अपने घरों में वो पानी पहुंचा सके. और उसके पीछे देखिए लोगों का किस तरीके से हुजूम नजर आ रहा है और अनगिनत पाइप जो है वो पानी के टैंकर में डाले जा रहे हैं. तो पानी की किल्लत किस तरीके से है दिल्ली के अंदर. देश की राजधानी है दिल्ली, 2024 चल रहा है, जहां हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की स्थिति देखिए. हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है. गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है, आज के मोल लेने पड़ता है. बहुत ही समस्या है जी. एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है. इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है. सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. गरीब क्योंकि झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है. पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आवाज चले जाते हैं. तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि क्या कुछ दिल्ली की वाकई जमीनी हालात है, लोग किस तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. इसी पर ताजा अपडेट और ले लेते हैं. हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुयश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से ही, साथ ही दिल्ली से चंद्रशेखर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं. सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे आप, क्योंकि वहां पर खुद मौजूद है, आपने तमाम लोगों से वहां पर बात भी की होगी पानी की स्थिति को लेकर. आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हालात, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहते हैं. जी, अगर मैं बात जमीनी हालात तो जमीनी हकीकत को करूं तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है. और ऐसे में अगर आपको पानी भी ना मिले तो सोने पे सुहागा हो जाता है. यहाँ हमने जब जनता से बात की तो उसका कहना है कि कहाँ हमसे वादा किया था केजरीवाल जी ने कि वो हमें फ्री पानी और फ्री बिजली देंगे, आज हमें पैसों से भी पानी नहीं मिल रहा है. क्योंकि पानी एक बार कर दिया है, टैंकर जब आता है ना तो ग्राउंड पे आप देखिए तो लोग, बच्चे यहाँ तक के बाल्टियां लेकर के भागते हैं और उनका कहना है कि हमें जब पानी ही नहीं मिलेगा
पीने के लिए साफ पानी और गंदा पानी तो छोड़ दीजिए, अब पानी ही नहीं मिल रहा है और उसको लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल भी आतिशी ने कहा कि अब वाटर जोन में हम वॉर जोन बनाएंगे और वहां पर अधिकारी मौजूद होंगे जो जायजा लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी, देखिए सवाल यहाँ खड़ा होता है, जनता अगर सवाल उठा रही है तो गलत नहीं, क्योंकि जब केजरीवाल जी जेल में थे तब उनका लगातार कहना था कि दिल्ली की जनता ठीक है, क्या उसे पानी समय से मिल रहा है, क्या उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। और आज जब वो बाहर हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, वो चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। बिल्कुल सुयश, त्राही त्राही तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही ये भी नजर आता है कि शायद सरकार जो मेहनत कर रही है या जो अपने इंतजाम कर रही है वो काफी नहीं है इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए, और बढ़ चढ़ कर इंतजाम करने होंगे। चंद्रशेखर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, एक तरफ जहां देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि हर घर में नल से जल पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी की ये स्थिति है। ये स्थिति है, और जैसे बलजीत नगर के इलाके की खबर भी हमने कल सुबह दिखाई थी, उसमें तो नल तक जो है वो घर घर वहां पर उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां तक नहीं पहुंचा पाई है। तो जिस मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी दिल्ली की, लोगों का लगातार ये सवाल है कि वो मुद्दों की जो जवाबदेही थी वो किसकी है। बोरवेल पानी की बात कर रहे हैं कि हम बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, जबकि बोरवेल का पानी की बराबरी आप नदी के पानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खारा होता है। और वो बोरवेल भी मैं देख के आ रहा हूँ कि तीन बोरवेल लगाए गए थे बलजीत नगर में, वो तीनों के तीनों बंद हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार की ये जो बातें हैं वो लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। जो गाद है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वजीराबाद में, उसकी गाद तक को नहीं निकाला गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय तक पानी की जो स्कार्सिटी है यानी कि जो जरूरत है वो ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में आपकी प्लानिंग कहाँ थी। और अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जब बारिश हो जाएगी, पानी हो जाएगा, तो फिर वो बाढ़ की स्थिति भी यहाँ पर हो जाएगी। तो वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो दिल्ली में एकदम फेल होता हुआ नजर आता है, चाहे वो बरसात की बात हो या फिर अभी जो पानी की जो स्थिति बनी हुई है लगातार उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पर जो मैनेजमेंट है, लगातार जनता जो कह रही है कि वो मैनेजमेंट फ्लॉप हुआ है, और जिन वादों के साथ लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई थी वो भी करने नहीं हो पाई है। यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि पानी हमारे घर में नहीं आ रहा, लेकिन बिल जो है वो उनके अकाउंट। जी ठीक है चंद्रशेखर, आपके पास में हम वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में सुयश भी लगातार बने हुए। सुयश, लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि जो दिल्ली की जनता है उसको पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये एक तरफ तो गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पानी की किल्लत है। ऐसे में लोग कैसे इससे पार पा पाएंगे? फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी है? देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्या वो काफी है, क्योंकि जब इंतजाम करने चाहिए थे दिल्ली सरकार की तरफ से तब ये नहीं किए गए, और अब लगातार आतिशी क्योंकि जल बोर्ड की मंत्री हैं और लगातार वो जिस तरीके से बैठकें कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने कल भी जो बैठक की थी उसके बाद उन्होंने कहा, और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा अब हम जल बोर्ड में वॉर जोन बनाने जा रहे हैं जहां पर अधिकारी मौजूद होंगे हर जगह पर, और जाकर के खासकर उन जगहों पर जहां पर कि पानी की क्राइसिस देखी जा रही है, वहां अधिकारी खुद जाएंगे और जायजा लेंगे कि कैसे होगा। देखिए सरकार जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी सरकार की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार जो वायदे करती है वो सारे के सारे यहां पर निराशा ही जनता को उन पे देखने को मिल रही है। और पानी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, अगर मैं बोलूं तो जनता परेशान है, और एक टाइम टैंकर जा रहा है, टैंकर की सुविधा भी जनता को दो बार नहीं मिल रही है। हम कई जगह गए, लक्ष्मी नगर भी हम गए हैं, वहां पर भी जाकर के हमने जनता से बात की तो उनका कहना यह है कि लगातार सुबह एक बार टैंकर आता है, उसका भी कोई टाइम नहीं है, और एक बार आने के बाद वो शाम को फिर नहीं आएगा, तो पूरे दिन हम पानी का गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं उनको सभी लोगों को पानी एक बार में नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ठीकरा फोड़ती है हरियाणा सरकार पे, जबकि हरियाणा सरकार भी अपनी तरफ से अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है कि जितना पानी उन्हें देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा वो दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की, तो इस वक्त सिर्फ अब वो कोशिशें ही कोशिशें कर रहे हैं। अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें तो जनता को उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुयश, अगर हम देखें जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो वहां अंदर से कई सारी चिट्ठियां बाहर आ रही थी कि मैं बेशक जेल में हूं लेकिन दिल्ली की जो जनता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
कई सारी ऐसी चिट्ठियां हमने देखी, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं 1 तारीख तक, तो अब लेकिन स्थिति वो नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है। दिल्ली की जनता की जो सेवा करनी चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए 2 दिन पहले 53 को क्रॉस कर चुका था यहाँ का तापमान दिल्ली का, उस वक्त भी केजरीवाल जी व्यस्त थे अपने प्रचार में, और जनता गर्मी के साथ साथ पानी की जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समस्या से जूझ रही है, अभी भी जूझ रही है। नहाने और अदर देन पानी की तो बात छोड़िए, पीने का पानी भी दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। चलिए बिल्कुल, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरीके से करवट लेगी, लेकिन साथ ही दिल्ली की जनता की प्यास बुझेगी या नहीं, इस पर भी सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुयश तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की हम लगातार बात कर रहे हैं, जहां गर्मी भी है, मौसम ने तो सितम ढाया ही है, लेकिन साथ ही पानी का सितम भी है, क्योंकि पानी का संकट दिल्ली वासियों पर इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस, टुक मी टू द मून टुडे। Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के में राजौरी के जंगलों में इस वक्त लगी हुई आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। चिंग्स और सुंदरबनी रेंज में नौशहरा उपखंड में बढ़ते तापमान और लू के कारण आग अभी भी सुलग रही है। आग के बारे में नौशहरा वन विभाग के DFO ने कहा कि लोगों से वन क्षेत्रों में सिगरेट और ऐसी अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करने की भी अपील की गई है। अच्छी बात इसमें हमारे पास यही होती है कि ये जो फायर होती है ये ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर का हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड फायर कहीं क्राउन फायर में ना तब्दील ना हो, क्योंकि क्राउन फायर जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ग्राउंड फायर में हम फायर लाइन्स बना करके उसको बीट कर सकते हैं, झाड़ से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं जो भी होता है उससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चीट पाइन नीडल्स जो इस टाइम पे सारे का सारा फ्लोर हमारा चीट पाइन से भरा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो सारे का सारा इतना ड्राई हो चुका था कि इतनी सी एक चिंगारी भी होती है वो एक प्रचंड रूप ले लेती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए और अपील यही है कि कृपा करके थोड़ा सा अवॉइड करें फॉरेस्ट एरिया को किसी भी तरीके की आग से, किसी भी चीज़ से। अगर आप सिगरेट कहीं यूज़ कर रहे हैं या कोई और कोई सोर्सेज से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम फॉरेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करें। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो भी जाती है तो कृपया उसको बुझाने की कोशिश करें। और वहीं बिहार में पड़ रही भयंकर गर्मी इंद्र जानलेवा साबित हो रही है। दरअसल यहां पर औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं।
इसके अलावा कैमूर में बीते कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हो गई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों के मौत की जानकारी है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह हालांकि मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। और देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा लगातार 50 के पार दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल के हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 बाथटब लगे हैं, साथ ही आइस क्यूब वाली मशीन भी यहां पर लगाई गई है। उधर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप में लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई है। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की सीधी में 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8 डिग्री, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। इसके अलावा ओडिशा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आया नगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। और गर्मी के इस बढ़ते प्रकोप पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगवीर सिंह ने कहा कि इस मौसम में डायरिया के भी मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही लोग आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, ये भी राय उनकी तरफ से दी गई। जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डायरिया के और इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ हैं और वार्ड वगैरह पेशेंट आ रहे हैं वार्ड में और लाभ ले रहे हैं। अब तक ये टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, अब जो भी हैं वो 12 और 3 बजे के बीच में कम निकलें, ठंडा पानी पिए, अधिक चक्कर आने पर आराम से बैठें और सिर पर पानी डालें ठंडा वंडा इस तरह से, और ठंडे पेय पदार्थ लें, धूम में ना निकले, छाए में रहें। वहीं मणिपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले से ही खोले जा चुके हैं। और न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस, टुक मी टू द मून टुडे। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस QR कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माय Seat टायर्स। Crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर है पुरी से। दरअसल जहां पर जगन्नाथ धाम में चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखा दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज भुवनेश्वर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जहां ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू हादसे की जांच करेंगे।
मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट होने पर दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुरी ओडिशा में चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट के कारण आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखदायी है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया और कहा कि महारानी अहिल्याबाई जी ने केदारनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से गया तक सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार और लोक सेवा के समानांतर कार्य किए। अनेक तीर्थों, घाटों और सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार करने वाली महारानी ने युद्ध के मैदान में मुगल आक्रांताओं के दांत भी खट्टे किए। लोकमाता का जीवन नारी सशक्तिकरण, सुशासन व सेवा के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा। इसके साथ ही आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है। उन्होंने कहा कि वो सभी के लिए आदर्श के समान है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्य वहन करना। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आम चुनावों को लेकर। दरअसल देश में कल 57 सीटों पर मतदान होना है और इन सीटों में वाराणसी की सीट भी शामिल है। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ पोलिंग स्टेशनों पर रवाना हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट वाराणसी से। वाराणसी पुलिस लाइन में सुबह से ही पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई थी। इस तरह से देखिए, ये आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या बताया गया बताइए थोड़ा सा। चलते हुए तो पहले तो सीयू का क्या है, बैटरी का ये सब चेक कर पूरा नंबर मिलान करना है, फिर वहाँ पर जाएंगे आप। एक जो मतदान शुरू होने से पहले क्या करना है वो भी जानकारी कराना है। 5:30 बजे, 5:30 बजे मार्कपोल कराना है। शाम को ही जा करके एजेंट अगर जीते मिल जाते हैं उनका वो ले लें सिग्नेचर। गर्मी बहुत है तो क्या बताया गया, क्या मेडिकल किट दी गई होगी या बताया गया होगा कि मेडिकल किट ले जाइए क्या? हाँ मिली तो है सर, लेकिन हम लोग लिए नहीं सर, अभी तो चल रहा है अपने। बताया गया होगा ना मेडिकल किट ले? जी जी, तो हम लोग नहीं लिए अभी, अपने स्वस्थ हैं, खुद चल जाएगा सर। मेडिकल किट की व्यवस्था है? जी है, सब व्यवस्था है सर। हाँ वहाँ पर है। आप लोग पूरी जिम्मेदारी जा रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया में अपना कर्तव्य निभाना? एकदम निभाना है सर। जी सर, देखिए कर्मचारी है जो जा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए। यहाँ पर आप देखें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसके साथ जो बाकी साजो सामान दिए जाते हैं ये रवाना किए जा रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों द्वारा। आप देखें ये वाराणसी में एक पुलिस लाइन का जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलिंग पर्सनल यानी पोलिंग कर्मी रवाना हो रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज वाराणसी। और वहीं ओडिशा के मयूरभंज जिले में मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। इस बढ़ती गर्मी के बीच दुर्गम रास्तों से ये दल अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये दल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। और वहीं देश में आम चुनाव अब आखिरी पड़ाव की ओर है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की धूम मची रही। इन मुद्दों के बीच एक बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का, जिसकी गूंज बिहार में सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती रही है।
बिहार में कहां कहां से किसने और किसको अपना उम्मीदवार बनाया, इसकी पड़ताल की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दल है जिसमें विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के चयन में परिवार को तरजीह ना दी गई हो। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर अक्सर परिवारवाद को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि उनके दो पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले से ही सियासत में सक्रिय हैं और अब उनकी दो बेटियों के चुनाव मैदान में कूद पड़ने से परिवारवाद की कहानी को और भी बल मिलता है। लालू प्रसाद की बड़ी बिटिया मीसा भारती पहले से ही राज्यसभा की सांसद हैं और अब वो पाटलिपुत्रा से चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं लालू प्रसाद को किडनी देने वाली बिटिया रोहिणी आचार्य छपरा में पूरे दमखम के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव मैदान में डटी हैं। इसके अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से खम ठोक रहे हैं। परिवार के लोगों को उम्मीदवार बनाने में कोई भी दल पीछे नहीं है। बीजेपी ने डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को नवादा से, जबकि सासाराम से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनिलाल के बेटे शिवेश राम भाजपा की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। औरंगाबाद से पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे सुशील कुमार सिंह तो पश्चिमी चंपारण से पूर्व सांसद मदन जायसवाल के पुत्र संजय जायसवाल और मधुबनी में वयोवृद्ध नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव बीजेपी के टिकट पर जनता के बीच हैं। सबसे दिलचस्प आंकड़े लोजपा रामविलास के हैं, जिन्होंने 5 में से 4 उम्मीदवार परिवार से उतारे हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, वैशाली से जदयू MLC दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी लोजपा की उम्मीदवार हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, बल्कि एक दिलचस्प कहानी और भी है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर की, जहां पर बिहार सरकार के जदयू कोटे के दो मंत्रियों के बेटे और बेटी विभिन्न पार्टियों से चुनाव मैदान में जमे हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जहां लोजपा की उम्मीदवार हैं, तो मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी रामविलास पासवान के अपने ममेरे भाई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह खुद राज्यसभा के सांसद हैं और उनके बेटे आकाश सिंह महाराजगंज के महाराज बनने के लिए बेताब नजर आते हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद को, जबकि पटना साहिब में मीरा कुमार के पुत्र अभिजीत अंशुल टिकट से नवाजे गए हैं। बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड भी परिवारवाद की रेस में अपने को बनाए रखने की जद्दोजहद में है। बिहार की चर्चित सीटों में शुमार शिवहर से बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और वाल्मीकि नगर से पूर्व सांसद बैद्यनाथ महतो के पुत्र सुनील कुमार जदयू के कैंडिडेट हैं। वहीं गया लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी NDA के कैंडिडेट हैं, तो उनके बेटे संतोष कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं और मांझी की समधन ज्योति देवी विधायक हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, भगवान महावीर और बुद्ध का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार, इन दिनों परिवारवाद की आगोश में छटपटा रहा है। कोई ऐसा सियासी दल नहीं है जिस दल ने परिवार के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया हो। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उन कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ता है जो सालों भर ठंड में ठिठुरते हैं, बारिश में भींगते हैं और गर्मी में अपना चेहरा झुलसाकर अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। कैमरामैन ललित के साथ बिहार से मैं राजेश राज, डिड न्यूज के लिए। और न्यूज 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज। यू नो इट्स ओनली अ ड्रिल एंड येट यू ट्रेन लाइक इट इज द रियल थिंग बिकॉज वन डे एट अ सेकंड्स नोटिस इट विल बी वन डे यू विल कम टुगेदर एज एन इनविंसिबल टीम And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स
साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं खेलों की, जहां पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम आठ में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो योंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया था। और वहीं भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों 21-13, 11-21, 20-22 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के केंटा ने हराया। और अब बात करते हैं आज के दिन की। दरअसल आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू का सेवन कई रूप में किया जाता है। तंबाकू खाने और धूम्रपान करने वालों को गंभीर बीमारियों का भी खतरा ज्यादा होता है। आइए समझते हैं तंबाकू छोड़ने के क्या कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। तंबाकू की शुरुआत अक्सर किशोरावस्था या कम उम्र से होती है। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इससे होने वाले दुष्प्रभावों की गंभीरता को नहीं समझ पाते। तंबाकू खाने से कई तरह के कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं धूम्रपान करने से पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है और हर साल कोई स्पेसिफिक थीम के ऊपर ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे कि इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। नशा करने का चीज़ जो है ज़्यादातर एडोलेसेंस ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है और इन बच्चों में ये नशा करने का आदत जो होता है उसका असर पूरा जिंदगी तक रहता है। धूम्रपान करने से जो कार्बन तथा टार फेफड़ों में चले जाते हैं वो फेफड़ों में ही जम जाते हैं, जिससे श्वास लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, कई श्वसन रोग हो सकते हैं और फेफड़ों को क्षति के कारण फेफड़ों में संक्रमण और कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। आजकल इंडस्ट्री इतना नया नया चीज़ें लेकर आता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आजकल ई सिगरेट ज़्यादा हो गया और अप्रॉक्सीमेटली 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ई सिगरेटिंग। तो ये सारे चीज़ उनका फिजिकल बीमारियां भी हो जाता है और मानसिक बीमारियां होता है और इसको इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, उनके वजह से पढ़ाई में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकता है। बच्चे ये जब ये शुरू करता है तो उनको लगता है कि मेरे को लत नहीं पड़ेगा, किसी दूसरों का कंपनी में शुरू कर देते हैं, मजाक में शुरू कर देते हैं, बट लेकिन बाद में एक बार आदत होने के बाद बार बार पीने का आदत पड़ जाता है और ये डिपेंडेंस एक बार सेट हो जाता है, एक बीमारी बन जाता है। पहले तो आदत और उसके बाद बीमारी। तंबाकू में निकोटिन, टार, बेंजीन, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभाव धूम्रपान करने वालों को ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी होते हैं। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो जानिए कि तंबाकू को छोड़ने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले उनका विलिंगनेस मतलब मन करना चाहिए कि मन कर लेना चाहिए कि मैं बंद करूंगा, नहीं पीऊंगा। जैसे वो नहीं पिएगा कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है, उसके लिए कुछ दवाई जरूरत पड़ता है। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कहते हैं हम, मतलब हार्म रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब ये जो सिगरेट स्मोकिंग के बदले में उनको कोई च्युइंग गम देते हैं, कोई दवाई दे देते हैं ताकि उसका जो
बुरा इफेक्ट जो होता है निकोटिन के साथ साथ जो भी है वो उसका कम कर सकते हैं। और उसके बाद दवाई की भी ज़रूरत पड़ता है, साइकोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है और इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी प्लान करते हैं। इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि फिजिकल बीमारियां हो सकता है और साइकेट्रिक बीमारियां भी हो सकता है, उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ये सब मन में रख के बंदा ये सिगरेट से कितना दूर रहेगा तो उतना अच्छा रहेगा। तो आज से ही तंबाकू को छोड़ने का प्रण लें। तंबाकू छोड़ें, सेहत चुनें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला। सहयोगी भावना के साथ नमस्कार।